नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की मान्यता क्यों है? गुण, कर्म, स्वभाव में उत्कृष्ट, दिव्य रूप और इच्छित फल देने की सामर्थ्य जिसके पास है उसे देवता कहते हैं। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में अनगिनत देवी देवता हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय में याज्ञवल्क्य ने कहा है कि वास्तव में तो देव 33 ही हैं, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 देवराज इंद्र और 1 प्रजापति सम्मिलित हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, देव, चंद्रमा और नक्षत्र ये 8 वसु हैं जिन पर सारी सृष्टि टिकी हुई है। 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 आत्मा, ये 11 रुद्र हैं। संवत्सर के 12 माहों के सूर्यों को आदित्य कहा गया है। मेघ इंद्र है और प्रकृति रूप यज्ञ में सारा जीवन प्रजापति है। वैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य और देव, इन 6 देवों में ही सारा विश्व समा जाता है। किंतु आम लोगों में धारणा है कि 33 कोटि यानी 33 करोड़ देवता है। चूंकि कोटि शब्द के 2 अर्थ, पहला श्रेणी और दूसरा करोड़ माना जाता है, इसी वजह से 33 कोटि यानी 33 कैटेगरीज को 33 करोड़ की धारणा बनी होगी। ऋग्वेद में ऋषि कहते हैं, एक सत स्वरूप परमेश्वर को बुद्धिमान ज्ञानी लोग अनेक प्रकारों से, अनेक नामों से पुकारते हैं। उसी को वे अग्नि, यम, मातरिश्वा, इंद्र, मित्र, वरुण, दिव्य, सुपर्ण, गुरुत्मान इत्यादि नामों से याद करते हैं। सारा वैदिक वाङ्मय इसी प्रकार की घोषणाओं से भरा है, जिसमें एक ही तत्व को मूलतः स्वीकार करके उसी के अनेक रूपों में ईश्वर को मान्यता दी गई है। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।